कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। हाँ इसमें खैर है, बस इधर से थोड़ा जोर करेंगे ये पीछे चली जाएगी, कोई बात नहीं। थोड़ा रिवर्स, फाइनली हम लोग नडान पहुंच गए बीच में। हम लोगों ने 13-15 घंटे मैंने बस अंदर ट्रैवल किया, नींद ली, इसी वजह से बस हो गई। अब यह है कि हम नडान के पास हैं, सड़क बहुत ही ख़राब हो चुकी हुई है, मतलब कहाँ से लेके नडान तक का जो रास्ता है वो पैच है, टू वर्ड मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे चढ़ गए हैं बस। मौसम लेकिन आउट क्लास हो गया, बताता हूँ मौसम। हमने बहुत गर्मी खाई है, तो फाइनली हम लोग उधर पहुंच गए हैं, अभी होटल वगैरह लेंगे यहाँ पे नडान में, तो फिर आपको इंशाल्लाह। जी तो आप देख ही रहे हैं नज़ारे, बिलाल साहब की फरमाइश पे कि मेरी वीडियो बनाएं, मैं इस ब्रिज पे जा रहा हूँ, मैंने कहा चले भाई चले हैं। और वाकई में नज़ारे बहुत कमाल थे, व्यू आप देख रहे हैं फंटास्टिक। बस वो कहते हैं ना, इतना दूर सफ़र करने का फ़ायदा तभी होता है जब आपको व्यू मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खुद तो हमने बोटिंग नहीं की लेकिन हमने वीडियो में बहुत इंजॉय किया। हमने कहा भाई हम ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हमें बाइक चलाने का शौक़ है, बाइक में मैं जहाँ मर्जी ले लो, पैदल जाना तो मौत वाकई हो जाती है। आगे आगे आपको दिखाएंगे, हम लोगों ने हाइकिंग भी की है, ओह माय गॉड, हमें बताते रहे बस थोड़ी देर और थोड़ी देर और आते जाते जो है ना हम लोग। कोई टेंशन ना हो, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा। हाँ इसमें खैर है, ये कैसे हो गया, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, बस इधर से थोड़ा जोर करेंगे ये पीछे चली जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा रिवर्स। भाई जान ने कहा वो आगे कैसे निकल गए, भाई मैं भी पीछे पीछे, फिर उसके बाद मेरे हाथ नहीं आए जनाब, बड़ी मैंने दौड़ लगाई पीछे पीछे, कोशिश करता रहा हूँ कि भाई इनकी वीडियो बनाता रहूँ क्योंकि ये नज़ारे फिर मुश्किल देखने को मिलते हैं। सो मैंने कैमरा पकड़ा दिया अपने भाई को, खुश रखो कि भाई तुम खुद वीडियो बनाओ, मैं पीछे गाड़ी पे आ रहा हूँ। इन लोगों ने
इस ट्रिप को एंजॉय किया, ये पाकिस्तान सिर्फ इसी ट्रिप के लिए आए थे तारिक भाई। सो एंजॉय, इन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। और वेदर, ओ माय गॉड, यू कैन सी दिस वेदर, तो बहुत ही कमाल था। हम जो जो नरान से आगे जा ही आ रहे थे, हमें जो है ना मज़ा वो डबल ट्रिपल होता जा रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था भाई। चिल्लास नीचे उतरेंगे बाबू सर से, चिल्लास पहुँचते गर्मी ने हमें पकड़ लेना। ये जी लुलू सर लेक बहुत ही खूबसूरत है वाकई, एक दफ़ा बंदे का दिल खुश हो जाता है देख के, भाई क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं, अभी बहुत सारी वीडियोस हैं जो इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मज़े का नज़ारा है। ऐसे नज़ारे कहाँ मिलते हैं, लाहौर वाले हो आ जाओ बैठे उसे इतने कह रहे इंजॉय मज़े मज़े उल्टा मज़े। जो भी मेरे दोस्त देख रहे होंगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें प्लीज़, आपसे मेरी यही दरख्वास्त है। बस आप इंजॉय करें इस लोकेशन को, इस व्यू को, और इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम, बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास डालने के लिए, अब टाइम नहीं मिल रहा था इनकी एडिटिंग करना, आपको पता है कोई आसान काम नहीं है, इन सब की एडिटिंग की है। इन सब को एडिट करने के बाद जो क्लिप्स हैं उनकी सिलेक्शन, फिर कलर ग्रेडिंग, देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो एडिट करने वाले लोग हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि भाई कितना मुश्किल है। तो जी फाइनली हम लोग मून रेस्टोरेंट पहुंच गए, जहां पर हमारी कमिटमेंट थी कि बाकी हम जो हमारे भाई का दोस्त हैं वो सारे यहीं पर मिलेंगे। सही एंजॉय कर रहे हैं। We're at the Moon Restaurant. Look, after Moon Restaurant, after look at it, it's beautiful.